नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस चौपट में। तो आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है हमारा, निकट दृष्टि दोष की मुक्ति होती है। तो दोस्तों, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे मुक्ति पाने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा अवतल लेंस। और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया, मायोपिया इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर भी बोला जाता है मायोपिया को या निकट दृष्टि दोष को, ठीक है दोस्तों। तो हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, मानव क्या है, मानव है, मानव, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नापी जाती है या मापी जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है दोस्तों। जो स्वस्थ आँख होती है उसके लिए निकट न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, मनुष्य की आँखों में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर परिवर्तित होती है? तो दोस्तों, हमारा जो रेटिना होता है, रेटिना वाला भाग, तो उसी पर क्या होती है, प्रकाश की तरंग परिवर्तित होती है, ठीक है दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो मनुष्य की आँखों होती है उसमें कितनी परत होती है, तो क्या था, 3 परत। और उसमें पहली परत थी, जो बाहरी परत थी क्या थी, स्केलेरा, स्केलेरा, और क्या था, कॉर्निया, कॉर्निया होती है। और जो दूसरी वाली कौन सी थी, क्रोइड, क्या थी, क्रोइड। और जो तीसरी थी वो क्या थी, रेटिना, रेटिना। तो जो मनुष्य की आँखों में प्रकाश तरंग का परिवर्तित होती है वो किस में होती है, तो रेटिना, जो रेटिना, जो तीसरी परत होती है रेटिना, उस पर क्या होती है, प्रकाश तरंगे परिवर्तित होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? जो नेत्रदान किया जाता है वहाँ पर आँख का जो कौन सा भाग है वो प्रत्यारोपित किया जाता है, मतलब दान में दिया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा, सॉरी, कॉर्निया होगा, कॉर्निया। तो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा, कॉर्निया होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो हमारा सही आंसर होगा आइरिस, जो आइरिस होता है, और आइरिस को क्या बोलते हैं, परितारिका, परितारिका बोलते हैं आइरिस को ही। और ये क्या करता है, जो आँख के व्यास को क्या करता है, नियंत्रित करता है, मतलब जो आँख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है उसकी मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है आइरिस, ठीक है दोस्तों। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, वस्तुएँ तिरछी दिखाई देती है, वस्तु उल्टी दिखाई देती है। तो हमारा सही आंसर होगा, जो निकट की वस्तुएँ होती है वो क्या होती है, दिखाई नहीं देती है दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, और दूरदृष्टि दोष को ही क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर होगा, दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है? तो हमारा सही आंसर होगा, जो नज़दीक की ये वाला फर्स्ट वाला आंसर सही होगा हमारा, कौन सा आंसर सही होगा, नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख सकता है कौन, दृष्टि दोष मायोपिया, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है वो नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो हमारा सही आंसर ए वाला होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? जो दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है उसको कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है?
तो हमारा सही आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जिन दूरदृष्टि दोष होता है उन्हें कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष वाले को क्या कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर होगा उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त तो होता है, तो हमारा इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? बाई फोकल लेंस सही होगा। जो जरा दृष्टि दोष होता है उसके उपचार के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? बाईफोकल लेंस। और इसी को क्या बोलते हैं? द्विफोकसी लेंस भी बोलते हैं इसी को, बाईफोकल लेंस को। ठीक है दोस्तों, तो जो जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? बाईफोकल लेंस। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अंधता प्रश्न क्या है हमारा? वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है? जो वर्णांधता है, और वर्णांधता को ही क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। और जिससे भी वर्णांधता का जो रोग होता है या वर्णांधता की प्रॉब्लम होती है उनको जो हरा रंग होता है, हरा और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं, हरा और लाल रंग की पहचान वो नहीं कर पाता है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। और कौन सा लेंस आएगा इसमें? ऑक्सी आइसो लेंस का प्रयोग किया जाता है। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस के लिए। ठीक है दोस्तों, जिसे भी वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है उन्हें क्या होता है? कौन सा लेंस? ऑक्सी आइसो लेंस। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? बुढ़ापे में दूरदृष्टि का वह खराबी होती है जिसमें लेंस तो अपनी प्रतिस्थता खो देते, अधिक पारदर्शी हो जाता है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक छोटा हो जाता है क्योंकि बुढ़ापे में जो मांसपेशियाँ होती है वो क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है, तो उसकी वजह से जो बुढ़ापे में दूरदृष्टिता खराब हो जाती है किसकी वजह से? बहुत अधिक क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, और बुढ़ापे में मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है उसकी वजह से। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तु को फोकस करने में आपकी योग्यता में कमी कहलाती है, तो ये कमी क्या कहलाती है? मायोपिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। जो श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, तो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा? बैंगनी क्या होगा? सबसे विचलित होता है। सबसे कम कौन सा होता है? जो लाल होता है। ठीक है, क्योंकि बेजानी हप्पी नाला या विपग्योर होता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विपग्योर और इधर से इधर, तो ये सबसे अधिक किस में होता है? बैंगनी में, और सबसे कम लाल में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर बैंगनी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है हमारा? फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो जो कैमरा होता है उसमें अलग अलग भाग होते हैं, प्रकाश, छिद्र, लेंस, फिल्म, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सही आंसर होगा जो फिल्म वाला भाग होता है
वह रेटिना, आंख की रेटिना की तरह काम करता है। फोटोग्राफी कैमरे का जो फिल्म वाला भाग है वो क्या करता है, रेटिना रेटिना की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा जो उत्तल लेंस होता है, जो कैमरे में कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा तरंग धैर्य द्वारा। ठीक है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो तरंग धैर्य द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो हमारा सही आंसर होगा काला दिखाई देगा। हरी पत्तियों वाला जो पौधा होता है वो जो रोशनी में रखेंगे, लाल रोशनी में रखेंगे तो वो काले रंग का दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो हमारा सही आंसर होगा लेंस की क्षमता की मात्रक क्या है, डायोप्टर होता है, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? तो इसका सही आंसर होगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा होगा इसका सही आंसर। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाहनों में जो कांच लगा होता है, दर्पण लगा होता है, उसमें जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका वाहन के जो पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगाया जाता है तो उसमें कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक, मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो प्रयुक्त दर्पण होता है द्वारा प्रयुक्त द्वारा मतलब उपयोग में कौन सा दर्पण लेते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं कौन, दंत चिकित्सक, मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं, जो दांत के रोगियों को दांत देखने के लिए, तो किसका, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है? तो हमारा सही आंसर होगा धूल कण की वजह से। वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से, धूल कण की वजह से होता है। तो दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या होता है, कांच से वायु में जाता है तो सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या, कांच से वायु में जाए। तो हमारा सही आंसर कांच से वायु में जाए होगा। ठीक है दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, कैसे मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतीत होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विसर्जन। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, तो आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर होगा वस्तु से छोटा लेकिन कैसा होगा, उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर उल्टा होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।